फ्रेंड्स वेलकम टू मैं दुजा। क्या डाइपर की वजह से बच्चों के लेग बो क्रॉस, बच्चे के चलने में कोई डिफ़िकल्टी, डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मलिटी हो सकती है? ये क्वेश्चन हर उस पेरेंट के दिल में आता है जो डाइपर यूज़ कर रहा है, और हर पेरेंट खुद को बोलता है कि डाइपर तो मेरी ज़रूरत है, उसके सिवा हम लोग आगे कैसे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग डाइपर बच्चों को पहनाना कब से शुरू कर सकते हैं? राइट फ्रॉम डे वन। बट आपको पता है बच्चे का कुछ स्पेसिफिक पी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे फर्स्ट 24 आवर में एक सुसु, सेकेंड 24 आवर में दो सुसु, थर्ड 24 आवर में थ्री सुसु, फोर्थ 24 आवर में चार सुसु, फिफ्थ 24 आवर में फिफ्थ सुसु। फिफ्थ डे के बाद से आपका बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का होने तक उसको 5 से ज़्यादा सुसु होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। तो मैं आइडियली पेरेंट्स को बोलती हूँ, अगर आपका बच्चा 2 दिन का है तो उसको 2 सुसु होने तक डायपर मत पहना, उसके बाद डायपर पहना। अगर आपका बच्चा 5 दिन का है तो 5 सुसु होने तक डायपर मत पहना, उसके बाद डायपर पहना। बस बहुत सारे लोग बोलते हो डायपर हैवी लग तो रहा है बट पता नहीं कितना सुसु किया। सुसु काउंट इज समथिंग जो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। बट डायपर पहनना क्या कोई गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप लोग बच्चे को डायपर पहना सकते हो, बट याद रखो वेदर कंडीशन समझ के लो, बच्चा 24 घंटे डायपर में नहीं रहना चाहिए। या फिर बच्चा डायपर पहनने के बाद जो ऐसे बो लेग के साथ चलता है उसका क्या कनेक्शन है? फॉर ऑल ऑफ यू, दूध का कस्टर्ड इमेजिन करो, और आपने दूध के कस्टर्ड में फ्रूट्स डाल दिए, तो फ्रूट्स कैसे धीरे 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 डिप होके उस कस्टर्ड का कलर अपने आसपास कोट करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपके बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजेस के बने हुए हैं, और उसमें कैल्शियम ऐसे फ्रूट्स की तरह धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, और फिर वो कैल्शियम उस बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते जाता है। बट हमारे बच्चों के जो बोन्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना धीरे धीरे होके वो बनने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए कुछ बच्चे 9 महीने के होते हैं तभी चलते हैं, कुछ बच्चे 1 साल के, और कुछ बच्चे 1.5 और 2 साल के भी चलते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी उनके बोन्स तैयार है उनका खुद का बॉडी वेट लेने के लिए, तभी बच्चा चलेगा। इसीलिए एज अ पेरेंट हमको बच्चे को फोर्स नहीं करना है ज़बरदस्ती उसको उठा उठा के चलाने के लिए। श्रेया, वो हाथ पकड़ के खेलने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, दैट्स ओके। बट बहुत सारे पेरेंट्स जो फोर्स करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब आते हैं डायपर पे। सी, कुछ बच्चे जो ओवरवेट होते हैं उनके लेग्स थोड़े से बो दिखते हैं, बट जैसे ही उनका वेट नॉर्मल पे आ जाता है, बोन स्ट्रांग हो जाते हैं, वो बच्चा नॉर्मल चलता है। बिकॉज कार्टिलेजेस वो ओवरवेट नहीं ले पाते, इसीलिए बोन थोड़ा टेढ़ा दिखता है, बट दैट्स नॉट अ परमानेंट डिफॉर्मिटी। अगर आपका बच्चा उसके हाइट के लिए नॉर्मल वेट पे है तो यूजुअली आपको टेढ़े पाँव नहीं दिखेंगे। डाइपर, अगर कोई ओवर साइज डाइपर पहनाते हो, जैसे डाइपर का जो सेंटर हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, आप 1-2 ओवर साइज बच्चे को डाइपर पहना रहे हो, तो बच्चा पाँव पास में लेके नहीं चल पाता है, तो उसको पाँव को स्प्रेड करके चलना पड़ता है, सो वो आपको बहुत अजीब दिखता है। इसीलिए बच्चे के लिए प्रॉपर साइज के डाइपर पहना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओवर फुल डाइपर। समझो आपका बच्चा ओवरवेट है तो उसका वजन ज़्यादा है, उसकी वजह से पाँव टेढ़े हैं, उसके ऊपर से आपने डाइपर पहना है, लंबे घंटों के लिए डाइपर पहना है, डाइपर 4-5 घंटे बाद चेंज नहीं किया है, डाइपर बहुत हेवी हो गया, तो वो वज़न की वजह से बच्चा और पाँव को टेढ़ा करके चलेगा। सो आपको जो दिख रहा है वो बेसिकली हाइजीन और प्रॉपर चेंजिंग एंड प्रॉपर साइज से कनेक्टेड है, ना ही लाइफ टाइम एबनॉर्मलिटी से। सो डाइपर टाइम पर चेंज करो, बहुत ओवरफुल मत होने दो, डाइपर प्रॉपर साइज का यूज़ करो, एंड याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे को 24 आवर डाइपर में नहीं रखो। सो अगर आप ये चीज़ें मैनेज कर लेते हो और फिर भी अगर बच्चे को बो लेग है और बच्चा ओवरवेट भी नहीं है, तो फिर आपको आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्यों बच्चा ऐसा चल रहा है। वो डायपर की वजह से ही बच्चा ऐसा चल रहा है, इतना भरा भरा लगता है इसीलिए बच्चा ऐसा ही चल रहा है, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। इसीलिए डायपर डायरेक्टली लेग या वॉकिंग की एबनॉर्मलिटी का रीज़न नहीं है। बट यस, अगर ऑलरेडी वैसा कुछ है उसमें अगर आप डायपर का ठीक से केयर नहीं लेते हो तो वो और बढ़ाएगा। तो प्लीज़ खुदों के ध्यान रखो, डायपर्स इज अ नेसेसिटी। कोशिश करो कि आप लोग बायोडिग्रेडेबल डायपर्स यूज़ करो, ताकि वो थोड़ा सा अपनी अर्थ को भी प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज वो नॉर्मली हम लोग डायपर्स यूज़ करते हैं, दे विल टेक 400 ईयर्स टू गेट बायोडिग्रेडेड।
तो आपको बायोडिग्रेडेबल बैम्बू बेस्ड डिस्पोजेबल डायपर्स भी मिलता है, क्लॉथ डायपर्स भी मिलता है, तो वो आपके बच्चे के लिए यूज़ करो। और कभी कभी हम लोग को नॉर्मल सिंथेटिक डायपर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, यू कैन यूज़ देम। जस्ट बी अ पीसफुल एंड अ कॉन्फिडेंट पेरेंट विथ राइट नॉलेज। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड